नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष चौहान, कंसल्टेंट फिजिशियन, अपोलो हॉस्पिटल एंड सेंट्रल हॉस्पिटल हैदराबाद। आज आपके सामने कैंसर के बारे में कुछ बातचीत करना चाहता हूं। कैंसर एक ऐसा नाम है जिसको सुनकर के हम सबकी रूह तक कांप जाती है। 4 फरवरी को हम लोग वर्ल्ड कैंसर डे मना रहे हैं। इस कैंसर के एक्रोनिम को याद रखिए, CANCER। सी का मतलब कंसैंग्युनिटी। कंसैंग्युनिटी का मतलब क्या है कि आपसी रिश्ते में ही शादी करना, एक ही परिवार के अंदर शादी करना। काफी समाज में ये एक ऐसा चलन हुआ है जहां पे लोग अपने ही घर में, अपने ही रिश्ते में शादी कर लेते हैं। साइंटिफिकली ये ठीक नहीं है, क्योंकि जब कभी भी आप अपने ही परिवार में शादी करते हैं, कुछ कुछ प्रथा में बुआ और वो बुआ के लड़के से या बुआ की लड़की से शादी हो जाती है, इस चीज से कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि आपके जो डोमिनेंट जीन्स हैं या जो रिसेसिव जीन्स हैं वो बाहर आ जाते हैं। मतलब क्या है, एक ही परिवार में शादी नहीं करनी चाहिए। ये साइंटिफिक एक चीज है जो आपको और मेरे को जानना चाहिए। ए इज फॉर एज। कुछ कुछ कैंसर उम्र के साथ आते हैं, तो जैसे ही जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे ही वैसे आपको कैंसर की तरफ से थोड़ा सा चौकन्ना रहना है। और अगर कोई भी सिम्टम्स है, जैसे कि कहीं से भी खून निकल रहा है, खांसी में, बलगम में, या कोई भी डाउट हो, तो एक एज के हिसाब से आपको अपने डॉक्टर की सलाह के हिसाब से प्रॉपर चेकअप कराते रहना चाहिए। एन इज नो फॉर स्पेसिफिक थिंग्स। कुछ कुछ नो याद रखिए। स्मोक्ड फिश एक ऐसी चीज है जिसको खाने से कैंसर होता है, तो आप हर एक उस चीज से दूर रहिए। अनावश्यक रेडिएशन एक्सपोजर जो कि आपको कैंसर दे सकती है, तो रेडिएशन एक्सपोजर है। काफी लोगों को ये आदत है कि वो डॉक्टर्स को बताते हैं सर एक्सरे करा देते हैं बेहतर होगा। आपको ये जानना चाहिए कि ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरे या ज़रूरत से ज़्यादा सीटी स्कैन या जो भी रेडिएशन का एक्सपोजर है उससे आपको कैंसर हो सकता है। तो डॉक्टर की सलाह के हिसाब से ही आप कोई भी एक्सरे या सीटी स्कैन कराएं। किसी बगल वाले में किसी दोस्त ने बताया कि आप एक्सरे करा लें सीटी स्कैन करा लें, नो, दैट्स नॉट अ गुड एटीट्यूड। सो नो को याद रखिए। नो टू स्मोक्ड फिश, नो टू डिफरेंट थिंग्स लाइक रेडिएशन। एंड इस नो और 2-3 तरीके के नो हैं। सी इज फॉर सिगरेट स्मोकिंग। तंबाकू के पदार्थ से दूर रहिए, क्योंकि तंबाकू से ना जाने कितने लोगों को ओरल कैंसर होता है, ना जाने कितने लोगों को लंग कैंसर भी होता है। सिगरेट स्मोकिंग से यहाँ तक कि यूरिनरी ब्लैडर कैंसर भी होता है। ई इज फॉर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करते रहनी है। क्यों? क्योंकि मोटापा कैंसर का जन्म देता है। ब्रेस्ट कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर और काफ़ी कैंसर हैं जो कि मोटापे से जुड़े हुए होते हैं। तो अगर आप कैंसर से दूर रहना चाहते हैं तो एक्सरसाइज ज़रूर करिए। एंड आर इज़ फॉर रेगुलर हेल्थ चेकअप। बहुत से कैंसर ऐसे हैं जो कि अंदर बढ़ते जाते हैं और आपको कोई भी उसके सिम्टम्स नहीं होंगे, इसलिए वो हम लोग रेगुलर हेल्थ चेकअप में पिकअप कर लेते हैं। 50 साल की उम्र के बाद कोलोनोस्कोपी कराना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। इस तरीके से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको आपका डॉक्टर बनाएगा। आपका कुछ भी डाउट हो तो मेरे से, डॉक्टर आशीष चौहान से आप जुड़िए और मेरे को मैसेज डालिए @8106127475 पे, जिससे मैं आपको और आपके परिवार को कैंसर मुक्त रख सकूँ। रिमेंबर एक्रोनिम CANCER। सी इज कंसैंग्युनिटी, मतलब कि अपने ही परिवार में शादी करने से दूर रहना। ए इज एज के साथ कैंसर आता है। N is no for smoked fish, no for radiation. C is for cancer, होने का मेन कारण है सिगरेट स्मोकिंग। E is exercise and R is regular health checkup. इस एक्रोनिम को याद रखिए। अपने आप को, मुझको और हर किसी को, हमारे समाज को कैंसर से बचाइए। मे गॉड ब्लेस यू। नमस्कार एंड रिमेंबर नॉट टू गो अहेड विदाउट प्रेसिंग द बेल आइकॉन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए सो दैट हम आपको ऐसी ही हेल्थ टिप्स लगातार देते रहें। टेक केयर, गॉड ब्लेस, नमस्कार। प्लीज डू सब्सक्राइब
Myra Media. Please subscribe Myra Media. Subscribe to Myra Media. Please like, share and subscribe to Myra Media for a lot of film news, gossips and hot news. Please like, share and subscribe to Myra Media. For more interesting updates, please subscribe to Myra Media YouTube channel. For more updates, please subscribe to Myra Media. So like, share and subscribe to Myra Media.